उधर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने राज्यपाल के विवेक पर सवाल उठाया, कहा इस पूरे सियासी घटनाक्रम में सत्य की जीत होगी और सत्य कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ है। उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमारे साथ राशिद अलवी साहब हैं, पूर्व सांसद हैं। सर, पहला सवाल आपसे मैं ही पूछूंगा कि लड़ाई तो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, आप क्या देखते हैं? अब देखिए, आज के हालात में जो नई राजनीति है, जो नरेंद्र मोदी जी नए भारत की बात कर रहे हैं, उस भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट उम्मीद की आखिरी किरण है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कोई बचा सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है। तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने याचिका दी है, 24 घंटे की बात की, 24 घंटे से ज़्यादा वक्त भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में गवर्नर की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, मणिपुर के अंदर, मेघालय के अंदर, गोवा के अंदर, हरियाणा के अंदर किस तरीके से सरकारें बन रही हैं। अमित शाह जी को कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं। वो चाणक्य नहीं है जो इतिहास जिस चाणक्य का जिक्र करता है। अमित शाह जी कल युग के चाणक्य हैं। वो कुछ भी करवा सकते हैं, एमएलए को डरवा सकते हैं, रुपए का लालच दे सकते हैं, एमएलए इसको खरीदवा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को समय नहीं मिलना चाहिए जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ फ्रॉम दिल्ली।